बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ लेक्चर नंबर 14। बिफोर स्टार्टिंग अवर टुडे लेक्चर, हम ये देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। जस्ट रिवीजन हो जाएगी आपको, देन वी विल कंटिन्यू अवर लेक्चर नंबर 14। प्रीवियस लेक्चर इज रिलेटेड टू द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर नंबर 7, दैट इज द फाइनेंशियल एसेट्स। और उसमें हमने आपको एक एग्जांपल दी थी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, कि जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट शो की तो उसमें 3.3% जो उनसे टेंजिबल एसेट थे, जो प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट से रिलेट कर रहे थे, और बाकी एसेट जो उनसे हैं वो दैट इज़ द फाइनेंशियल एसेट। तो फाइनेंशियल एसेट्स हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं, दैट इज़ कैश और कैश इक्विवेलेंट, इन्वेस्टमेंट इन द मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये सारी चीज़ें जो उनसे हमने देखी थी। उसके बाद जी क्वेश्चन जो है वो रेस होता था कि जी हाउ मच कैश शुड ए बिजनेस हैव, कितना उसके पास कैश होना चाहिए। फाइनेंशियल एसेट्स में हमने देखा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अकाउंट रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को देखा था हमने। तो दीज ऑल आर द फाइनेंशियल एसेट्स। उसके बाद हमने देखा था कि द वैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट्स को कैसे वैल्यूएट किया जाता है। रिपोर्टिंग कैश इन द बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में कैश को किस किस हेड में जो है वो शो किया जाता है। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, उस पर थोड़ी सी नज़र डाली थी। एंड कैश मैनेजमेंट, के कैश को किस तरह मैनेज किया जाए कि उसमें एरर एंड फ्रॉड के चांसेस जो है वो मिनिमाइज हो सके। उसके बाद हमने देखा था कि जो एक्सेसिव कैश बैलेंस को किस तरह इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। मैंने बताया था आपको कि भी वो सिक्योरिटीज़ में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में जो है वो सबमिट जमा करवाया जा सकता है, उस पर इंटरेस्ट जो है वो अर्न किया जा सकता है, या किसी इफेक्टिव जो है वो इक्विपमेंट बाय किया जा सकता है, प्रोडक्शन इंक्रीज की जा सकती है, एंड सो ऑन। इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश के बारे में हमने पढ़ा था कि कैश को इंटरनली कैसे कंट्रोल किया जाता है। फिर कैश ओवर और शॉर्ट जो है हो जाए तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंक स्टेटमेंट्स जेंस हैं वो हमने पढ़ा था कि बैंक स्टेटमेंट्स क्या बताती हैं आपको, एंड रिकनसाइलिंग द बैंक स्टेटमेंट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लिटल बिट डिफ़िकल्ट अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें। आई थिंक कि जो बैंक रिकनसलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है डैट इज़ डिफ़िकल्ट। तो फिर हमने उसके रूल्स रेगुलेशंस पढ़े थे कि जो किन चीज़ों को प्लस किया जाता है, किस चीज़ों को माइनस किया जाता है, और उसमें से हमने ये भी देखा था कि जो डेबिट और क्रेडिट जो है वो कैसे किया जाता है, उसकी एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं। उसके अलावा हमने ये भी चेक किया था कि जो है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस एज पर आवर कैश लेजर क्या है, और उसको कैसे जो है रिकनसाइल किया जाएगा। Then we talk about the petty cash. Petty cash किस लिए मेनटेन किया जाता है, small amount of cash होती है जो मेनटेन किया जाता है डे टू डे एक्सपेंसिस ऑफ द कंपनी। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जौन सा है ये इसकी कस्टोडियन जौन सा है, दैट इज़ 1%, नॉट मोर देन 1, और वो एक सर्टन अमाउंट जौन सा है उस मेनटेन की जाती है, लाइक 50,000। जब वो नियर टू एंड होते हैं तो वो अकाउंटेंट से दोबारा लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है कि ये मैंने एक्सपेंस किए थे, और वो दोबारा उसको कैश कर लिया जाता है। एंड मार्केट टू मार्केट ए न्यू प्रिंसिपल ऑफ एसेट्स वैल्यूएशन, एसेट्स को जो है किस तरह वैल्यूएट किया जाता है, डेट इज उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज का लेक्चर हमारा है लेक्चर नंबर 14, डेट इज़ रिलेटेड टू अनकलेक्टेबल अकाउंट्स। अनकलेक्टेबल अकाउंट्स जो हैं वो कौन से होते हैं, लाइक के जी जिस तरह आपने फैमिली में या किसी दोस्त को पैसे दिए और वो पैसे लेके जो है वो फरार हो गया, कुछ दोस्त होते हैं वो पैसे आपको वापस कर देते हैं, और इसी तरह जो है जब कॉरपोरेशन है या कोई मर्चेंडाइजिंग कंपनी है वो प्रोडक्ट को सेल करती है तो उसमें से कुछ लोग जो है वो पैसों को ऑन टाइम, अच्छे क्लाइंट्स होते हैं ऑन टाइम जो है पैसे अकाउंट रिसीवेबल आपको पे कर देते हैं, और कुछ होते हैं उसको डिले कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो ख़त्म हो गया या ख़राब हो गया या उनकी नीयत ख़राब हो जाती है और वो पैसे नहीं देते। लेकिन जो लोग पैसे नहीं दे रहे तो उनका कुछ ना कुछ तो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड आना चाहिए ना, तो वो कार्ड
रिकॉर्ड जो है वो किस तरह मेंटेन किया जाता है। आज का लेक्चर जो है हमारा अनकलेक्टेबल अकाउंट्स के बारे में होगा। अनकलेक्टेबल अकाउंट्स क्या होते हैं? इफ ए कंपनी मेक ए क्रेडिट सेल टू द कस्टमर सम अकाउंट्स इनएविटेबली विल टर्न ऑफ टू बी अनकलेक्टेबल। मतलब ये होता है कि वो ऑब्वियसली जो है उसका कि उन्होंने जो है वो अनकलेक्टेबल जो है वो हो जाते हैं, उन्होंने पैसे नहीं देना होता, या आपको शक होता है कि यार इसमें कम इतना टाइम जो है गुजर गया, 60 डेज गुजर गया, 90 डेज गुजर गया, अब ये जो है पुरानी बात हो गई है, पास्ट ड्यू, कि ये पैसे जो है अब हमें नहीं मिलेंगे, तो उस पैसों का हम अकाउंटिंग में किस तरह रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, लेट्स सी। रिफ्लेक्टिंग अनकलेक्टेबल अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो किया जाता है? एट द एंड ऑफ ईच पीरियड रिकॉर्ड एंड एस्टिमेट ऑफ द अनकलेक्टेबल अकाउंट। कि एक एस्टिमेट लिया जाता है कि अच्छा ठीक है, ये हमारे जो है अकाउंट रिसीवेबल है, इसमें से इतनी अमाउंट जो सी है हम एस्टिमेट करते हैं कि ये हमारे रिसीव हम इसको नहीं कर सकेंगे, तो उसकी जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है? अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस जो है अनकलेक्टेबल अकाउंट जो है आप कर देते हैं और डेबिट करते हैं एक सर्टन अमाउंट को। अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट, तो अनकलेक्टेबल जो है उसको आप एज ए सेलिंग एक्सपेंस जो है वो ट्रीट कर देते हैं। अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस, उसको आपने सेलिंग एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, और उसके बाद आपने क्या किया कि अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट और कंट्रा एसेट्स अकाउंट जो है वो आपने प्रिपेयर कर लिया अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। नेक्स्ट देखते हैं द अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या किया जाता है। अकाउंट रिसीवेबल उसमें से लेस कर दिए जाते हैं अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट। तो अकाउंट रिसीवेबल जो भी है, सपोज 5000 था, उसमें से 500 आपने अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट किया, तो अकाउंट रिसीवेबल 5000 लेस 500, तो आपके पास कितने आगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल दैट इज $4,500। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल दैट द बिजनेस एक्सपेक्ट टू कलेक्ट। क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ओके 5000 तो मेरे अकाउंट रिसीवेबल थे, लेकिन इसमें से मुझे सिर्फ $4,500 जो है वही रिसीव होंगे। 500 जो है उसने डाल दिया अलाउंसेस फॉर डाउट, इसका उसको डाउट है। अब क्वेश्चन ये जो है वो रेज होता है कि ये कैसे डिटरमिन किया जाता है कि ये कितने पैसे जो है वो डाउटफुल अकाउंट्स में या डाउटफुल डेट्स में जो है वो डाल दिए जाते हैं कि अच्छा जी वो पैसे देंगे कि नहीं देंगे या क्या उसका हिसाब किताब होगा। तो देयर आर सर्टन अमाउंट्स जो की जाती है, उसका मेथड जो है हम आगे जाके पढ़ेंगे। और नेट रियलाइजेबल, नेट रिलीजेबल वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, मतलब जो एक्सपेक्ट करता है कि वो रिसीव कर लेगा। नेक्स्ट चलते हैं, राइटिंग ऑफ एन अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल। व्हेन एन अकाउंट इज डिटरमिन्ड टू बी अनकलेक्टेबल, इट नो लॉन्गर क्वालिफाइज एन एज एन एसेट्स एंड शुड बी राइट ऑफ। अब आपने क्या किया कि एक अकाउंट को, अकाउंट रिसीवेबल को आपने क्वालिफाई कर दिया किस चीज़ के लिए, टू बी अनकलेक्टेबल, कि ये हमने रिसीव नहीं होंगे। तो अब वो कहते हैं कि इट्स नो लॉन्गर क्वालिफाई एन एज एसेट्स एंड शुड बी राइट ऑफ, कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो अभी प्रीवियस एंट्री आपने क्या की थी कि आपने की थी, वी कैन रीचेक इट, कि जो आपने प्रीवियस एंट्री की थी अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस टू अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट, तो कंट्रा एसेट अकाउंट आपने बना दिया था अलाउंसेस फॉर डाउटफुल। तो आगे जाके हम देखते हैं कि अब हम क्या कह रहे हैं। अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट,
तो अब हमने इसको राइट ऑफ कर दिया, पहले हमने इसको क्रेडिट किया था और अब हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और उसके अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल एंड व्हाट हु इज़ द कस्टमर, दैट इज एक्स कस्टमर, ये कस्टमर का नाम जो है मेंशन कर देंगे और अमाउंट मेंशन कर देंगे जितनी अमाउंट हमने डाउटफुल में अकाउंट में डाली अलाउंसेस फॉर, जितना हम राइट ऑफ कर रहे हैं। अब हम एक एग्जांपल जो है एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट ऑन जनवरी 5th द के मैक्स डिटरमिन दैट द जैसन क्लर्क वुड नॉट पे द डॉलर 500 ही ओज। अब जो जैसन क्लर्क है वो क्या कर रहा है कि वो एज्यूम कर रहे हैं कि जैसन क्लर्क जो है वो अमाउंट जो है वो 500 वापस नहीं करेगा। अब वो वापस नहीं करेगा तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस एंट्री को कैसे जो है पास करेंगे, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स दैट इज 500। अब वी आर गोइंग टू राइट ऑफ, हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं एंड अकाउंट रिसीवेबल जे क्लर्क जो है उसका अकाउंट जो है रिसीवेबल, कि हमने अब उसके जो रिसीवेबल है, रिसीवेबल एक हमारे पास एसेट्स होता है तो एसेट्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और अब एसेट्स को हम क्लोज कर रहे हैं तो सिंपली हमने उसको क्या किया कि क्रेडिट कर दिया। और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट जो हमने क्रिएट किया था कंट्रा एसेट अकाउंट, और उसको भी अब हमने क्लोज करना है तो हमने क्या किया कि 500 को कंट्रा एसेट जो सा अकाउंट शो कर दिया। और उससे पहले हमने जो सा वो एंट्री की थी तो वो एक्सपेंस हमने शो किया था, तो उसको हम एज एन इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस जो है वो ट्रीट कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ कि एज्यूम डैट बिफोर दिस एंट्री द अकाउंटेंट रिसीवेबल बैलेंस वॉज 10,000 एंड द अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट बैलेंस वॉज 2,500। लेट्स सी व्हाट्स अफेक्ट द राइट ऑफ हैड ऑन दीज अकाउंट। अब वो जो राइट ऑफ किया है, ये जो पिछली ट्रांजेक्शन हमने की है, यू कैन चेक इट अगेन, कि ये जो हमने ट्रांजेक्शन की है इसमें हमने अलाउंसेस फॉर डाउटफुल को हमने क्रेडिट किया था पहले, इससे पहले ट्रांजेक्शन में इसको हमने डेबिट कर दिया, ये ज़ीरो हो गया। और अकाउंट रिसीवेबल जो हमने पहले किया था जब हमने प्रोडक्ट सेल की थी, जे क्लर्क को हमने अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट किया था 500 का, तो अब ये जो है वो ज़ीरो हो गया। अकाउंट रिसीवेबल भी हमने जो है वो ज़ीरो कर दिया कि जी 500 अब हमने उससे, हमें पता यकीन हो गया कि अब हमने उससे नहीं लेने। और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट जो हमने कंट्रा एसेट बनाया था वो भी हमने ज़ीरो कर दिया। और अब इसका इफेक्ट क्या आएगा, नाउ बिफोर राइट ऑफ क्या था कि अकाउंट रिसीवेबल था हमारे पास कितना 10,000, और हमने क्या किया था अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट कितना किया था, डेट इज़ 2,500, और हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो सी है वो कितनी थी, दैट इज़ डॉलर सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड। अब जब राइट ऑफ कर दिया, तो जब हमने राइट ऑफ किया तो हमने क्या किया, नोट दैट द डॉलर 500 राइट ऑफ डिड नॉट चेंज द नेट रियलाइज वैल्यू नॉर डिड नॉट अफेक्ट एनी इनकम स्टेटमेंट अकाउंट। अब जब राइट आउट किया हमने, तो हमने क्या किया कि अकाउंट रिसीवेबल को कितना, अगर लेजर में जाके आप देखें तो अकाउंट रिसीवेबल 500 से क्या हो गया थे, डेट इज़ क्रेडिट, तो 500 से अकाउंट रिसीवेबल कम हो गए, और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट वो भी 500 से कम हुए, वो हमारे पास कितने रह गए 2,000। तो अब हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो सी है डेट इज़ 7,500। तो अब दोनों में बिफोर एंड आफ्टर हमारे पास वैल्यू जो सी है वो चेंज नहीं हुई, चेंज दैट इज़ द सिमिलर, वो हमारे पास सेम है। उसके बाद हम देखते हैं रिकवरी ऑफ एन अकाउंट रिसीवेबल प्रीवियसली राइट ऑफ। ऐसा अकाउंट जो हमने राइट ऑफ कर दिया था और अब क्या हुआ कि अब हमें उधर से पैसे जो से वो वसूल हो गए, वी रिसीव द मनी, वी गॉट द मनी, सब्सिक्वेंटली कलेक्शन रिक्वायर्ड दैट द ओरिजिनल राइट ऑफ एंट्री
बी रिवर्स बिफोर द कैश कलेक्शन इज रिकॉर्डेड। अब हमने वो जो राइट ऑफ वाली एंट्री थी उसको हमने क्या करना है, उसको रिवर्स कर देना है, उसको हमने रिवर्स कर देना है। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो हमने राइट ऑफ वाली एंट्री लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया था और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट कर दिया था, अब हम उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। अब अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एक्स कस्टमर और अलाउंसेस फॉर द डाउटफुल अकाउंट डेट इज क्रेडिट कर दिए। अब ये तो हमने रिवर्स एंट्री कर दी। बी रिमेंबर हमने क्या किया था कि एक ऐसा जो सा अकाउंट रिसीवेबल था जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया था, अब उससे पैसे मिल गए, तो अब हम उस एंट्री को जो राइट ऑफ वाली थी उसको हम रिवर्स कर दिया। रिवर्स मीन के जो एंट्री हमने की थी जिसको डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दिया और जिसको क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि कैश रिसीव किया, कैश जितनी अमाउंट थी उतनी अमाउंट मेंशन कर दी, और अकाउंट रिसीवेबल अगेन अकाउंट रिसीवेबल को हमने जो है वो क्रेडिट कर दिया, राइट। तो हमारा जो है वो ये जो राइट ऑफ हुआ था वो कैश हमने रिसीव कर लिया। मंथली एस्टीमेट्स ऑफ द क्रेडिट लॉसेस, हमने बात की थी कि जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने बात की थी कि डाउटफुल अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो किस तरह मेजर किया जाता है, या हमें कैसे पता चलता है कि इतनी अमाउंट जो है वो हम डाउटफुल डेट्स में पुट कर देंगे। एट द एंड ऑफ ईच मंथ मैनेजमेंट शुड एस्टीमेट, एक एस्टीमेट लगाती है द प्रॉब्ली अमाउंट ऑफ द अन कलेक्टेबल अकाउंट्स एंड एडजस्टमेंट द एंड एडजस्ट द अलाउंसेस फॉर द डाउटफुल अकाउंट टू हिज न्यू एस्टीमेट। तो वो अब क्या करती है कि एक एस्टीमेट लगाती है कि कितना अमाउंट जो सी है हमारी अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स में, ये डाउटफुल डेट्स में जो है वो चली जाएगी। एट दिसंबर 31st 2003 म्यूजिकलैंड्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड इंडिकेट्स द फॉलोइंग। म्यूजिकलैंड जो है उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या शो कर रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल दैट इज 50,000, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट दैट इज $200, दैट इज क्रेडिट। अब ये क्या अकाउंट रिसीवेबल 50,000 है, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है दैट इज 200। पास एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट द 5% ऑफ द रिसीवेबल्स आर अनकलेक्टेबल। अब वो कहते हैं कि जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो हमें ये बताती है कि जो 5% है रिसीवेबल का दे आर अनकलेक्टेबल। वट इज द म्यूजिकलैंड अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस फॉर 2003। अब वो क्या होंगे, अब डिजायर बैलेंस इन द अलाउंसेज फॉर द डाउटफुल अकाउंट्स जो हिस्ट्री हमें बताती थी दैट इज द 5%, 50,000 का 5% लिया दैट इज $2,500। अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी कितना है दैट इज 200, और यू हैव इंक्रीज्ड 2,300 आपने इंक्रीज किया तो आपके पास कितना आ गया 2,500। तो अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो आपके पास आ गया 2,500, बट जो इंक्रीज किया आपने वो कितना था 2,300। जनरल एंट्री क्या होगी, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस शो कर दिया, प्रीवियस भी हमने जो है इसको एक्सपेंस शो किया था अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंसेस दैट इज 2,300, और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट दैट इज 2,300। यहाँ पे हमने 2,500 इसलिए नहीं किया कि हमारे पास ऑलरेडी 200 का अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो आउटस्टैंड कर रहे हैं, और 2,300 हमें और चाहिए थे हमने ऐड कर दिया, और टोटल जो सा एस्टीमेट हमारा था दैट इज 2,500। के बाद लेट लुक्स एट अनदर वे टू एस्टीमेट द अनकलेक्टेबल अकाउंट। तो वो क्या होगा, एस्टीमेट क्रेडिट लॉस द बैलेंस शीट अप्रोच। तो बैलेंस शीट अप्रोच जो है उससे कैसे एस्टीमेट किया जाता है क्रेडिट लॉस,
Year's ends account receivable is broken down into age classification. कि age year end account receivable is broken down into the age classification कि उसको account receivable को according to age mean के कितने अरसे में वो account receivable receive होते हैं उसको उसको classify कर दिया जाता है. Each age group has a different likelihood of being uncollectible. तो वो उस एज ग्रुप का जो है वो बताते हैं कि उसका डिपेंड करता है कि वो डिफरेंट लाइकिंगहुड है उसकी कि वो कितने टाइम में जो है वो कलेक्ट किया जाए. कंप्यूट ए सेपरेट अलाउंसेस फॉर ईच एज ग्रुप. अब वो कह रहे हैं कि जी ईच एज ग्रुप का जो है वो सेपरेट जो है वो अलाउंसेस जो है वो मेनटेन किए जाएँ. लेट सी कि ये किस तरह किए जाते हैं. At December 31st, 2003, the receivables for the Eastco Corporation, were categorized as follow. नाम लिखा उसके बाद schedule of the account receivable by age. This is not the age of the person. This is age how long it convert into the cash. And December 31st मतलब उसकी कितना outstanding कर रहे. तो that is December 31st, 2003 days past due के amount outstanding कर रही है कितने अरसे से. current मतलब जो भी present है that is 45,000. 1 to 30 days से जो outstanding कर रहे हैं that is 15,000. 31 to 60 days that is 50,000 and over 60 days that is 2,000. So account receivable balance total balance kitna hai company ke paas that is 67,000. Estimate bad debts percent. A bad debt percent jo hai wo count ki that is 1% for current, 3% for 1 to 30 जो 1 टू 30 डेज में पे करते हैं एंड देन 5% टू 31 टू 60 डेज एंड 10% इज फॉर ओवर 60 डेज. तो जो ओवर 60 डेज हो जाते हैं वो उसमें से 10% जो है आपके बैड डेट्स में चले जाते हैं. एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अमाउंट 1% है. 45,000 का 1% लिया है डेट इज 4,500. उसके बाद 15,000 का 3% लिया दैट इज 4,450. एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अमाउंट तो हमने क्या किया कि 1% जो है वो लिया 45,000 का तो हमारे पास 450 है एंड देन 1 टू 30 का हमारे पास 15,000 था उसका हमने 3% लिया दैट इज 450 और 5% हमने लिया 5,000 का दैट इज 250 और 10% लिया 2,000 का तो डेट इज 200. तो हमारे पास जो एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अमाउंट डेट इज बाय एज इज $1,350. तो ये बाय एज जो सा हमें हमने ये एस्टिमेट लगाया कि तुम्हारे जो अनकलेक्टेबल अमाउंट होगी डेट इज 1,350. अब हमने क्या किया है ईस्ट कंपनीज अनएडजस्टेड बैलेंस इन द अलाउंसेस अकाउंट इज 500. जो अनएडजस्टेड था वो 500 था जिसको हमने एडजस्ट नहीं किया राइट ऑफ नहीं किया. पर द प्रीवियस कंपटीशन द डिज़ायर बैलेंस इज आर इट शुड बी 1,350. तो अब हमने क्या किया कि 500 प्रीवियस बैलेंस था और होना कितना चाहिए 1,350. ये जो अभी हमने प्रीवियस कैलकुलेट किया विद अप्रोच ऑफ एज के अकाउंट रिसीवेबल बाय एज कितना है और होना कितना चाहिए 1,350. तो इट्स मीन के जो डिफरेंस आ रहा डेट इज 850 का तो वो 850 वी हैव टू मेक द जर्नल एंट्री. अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंसेस दैट इज 850. अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स दैट इज 850. अनकलेक्टेबल
अकाउंट एक्सपेंस आपने शो कर दिया, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट ये आपने कंट्रा एसेट जो है वो बना दिया, डेट इज 850। गेस व्हाट्स, देयर इज अनदर अल्टरनेटिव टू एस्टिमेट द अनकलेक्टेबल अकाउंट्स। अगेन देयर इज वन प्रॉब्लम कि अब किस मेथड से हम जो है वो मेजर करेंगे कि अकाउंट हमारे रिसीवेबल हैं, अनकलेक्टेबल जो है वो रिसीवेबल, कितना उसका एस्टिमेट कैसे लगाएंगे। एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू एस्टिमेट क्रेडिट लॉसेस, अनकलेक्टेबल अकाउंट्स परसेंटेज इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल अनकलेक्टेबल अकाउंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल जितनी भी की होती है और उसमें एक्चुअल जो आपको लॉस होते हैं वो आप परसेंटेज देख लेते हैं कि वो सेल का कितने परसेंट है। फोकस इज ऑन डिटरमिन द अमाउंट टू रिकॉर्ड ऑन द इनकम स्टेटमेंट एज अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस। फोकस डिटरमिन किया जाता है द अमाउंट रिकॉर्डेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट एज अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस, उसको एज एन एक्सपेंस में जो है वो पुट कर दिया जाता है। और वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, डेट कैसे एस्टिमेट किया जाता है, डेट इज एस्टिमेटेड ऑन द क्रेडिट से प्रीवियस ईयर का, जो एक्चुअल आपने रिसीव नहीं किया तो वहाँ से मेजर किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, नेट क्रेडिट सेल इनटू परसेंटेज एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल, उसमें से द अमाउंट ऑफ द जर्नल एंट्री हमारे पास आ जाती है। नेट सेल इनटू परसेंटेज एस्टिमेटेड अनकलेक्टेड कलेक्टेबल कि जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास जर्नल एंट्री की अमाउंट जो है वो आ जाती है। इन 2003 ईस्ट कंपनी हैड क्रेडिट सेल ऑफ 60,000, उसके पास क्या थी, क्रेडिट सेल थी। हिस्टोरिकली 1% ऑफ द ईस्ट कंपनी अकाउंट हैव बीन अनकलेक्टेबल। अब वो कहते हैं कि 2003 में क्या हुआ कि जो सेल है, क्रेडिट सेल है 2003 में, डेट इज डॉलर 60,000। अब वो 60,000 उसकी सेल है, और हिस्ट्री जो शो करती है वो ये शो करती है कि 1% ऑफ ईस्ट कंपनी अमाउंट है बिन अनकलेक्ट, तो जो भी वो सेल करती है उसकी 1% जो है वो अनकलेक्टेबल में चला जाता है। फॉर 2003 द एस्टिमेट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस इज $600। अब $600 कैसे कैलकुलेट किया, दे मेंशन इट 60,000 इनटू 0.01%, 1% उनका लिया, 0.01 इनटू 0.01 आर 1%, तो दैट इज $600। नो प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री फॉर द December 31, 2003। जर्नल एंट्री जो हमने करनी है, जर्नल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, वो क्या होगी, That is the 31st December uncollectible account expense 600, allowances for doubtful account। अब आप ये देखें कि हमने जितनी भी entries की entry हमारी जुनसी है वो सेम जुनसी है वो पास हो रही है, वही चलती आ रही है, uncollectible account expense and allowances for doubtful account। तो I hope कि इसमें आपको जुनसा है वो कोई problem नहीं आ रही होगी। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि हम मेथड्स जो है वो चेंज कर रहे हैं कि एवेल्यूएशन के मेथड जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। अनकलेक्टेबल अकाउंट समरी, अब जो भी हमने जो है अनकलेक्टेबल अकाउंट्स को जो है वो ट्रांजैक्शंस की, तो उसकी ज़रा समरी की तरह जो है वो थोड़ा सा चले जाते हैं कि वो कैसे हमने एम्फेसिस किया है। परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल के जो फर्स्ट हमने किया था, दैट इज़ एम्फोसिस ऑन द रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू जो थी है उस पर हमने एम्फोसिस किया था, परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल। तो हमने क्या किया था कि एंट्री जो है वो पास की थी, दैट इज़ अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंसेस, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट। और उसका फोकस किस पे था, बैलेंस शीट फोकस था कि एक तो हमने एक्सपेंस में डाल दिया था अकाउंट
जो से उसको अनरिसीवेबल अकाउंट एक्सपेंसेस को और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज़ द बैलेंस शीट फोकस को हमने बैलेंस शीट पे फोकस किया था। एजिंग ऑफ द रिसीवेबल हमने क्या किया कि उसमें हमने डिटरमिन किया कि कितनी देर में जो है वो अकाउंट रिसीवेबल जो है होते हैं आपको, कि उसमें कितना टाइम जो है वो कंज्यूम होता है। तो एम्फसिस ऑन द रियलाइजेबल वैल्यू, और उसमें हमने वही सेम एंट्री की, एंड दैट इज अगेन बैलेंस शीट फोकस। एंड देन थर्ड वन हमने क्या किया, परसेंटेज ऑफ सेल के जो प्रीवियस ईयर की सेल थी उसे हमने अंदाज़ा लगाया कि उसमें से जितने लोगों ने पैसे वापस नहीं किए तो उसी पे हमने अंदाज़ा लगाया कि अच्छा ठीक है दिस परसेंटेज ऑफ सेल, सपोज लास्ट टाइम हमने जो ट्रांजेक्शन की थी उसमें हमने कहा था कि 1% होता है, तो अगर 1% है तो हमने इस दफ़ा भी 1% कैलकुलेट करके क्या किया, सेल्स और अन सेल से हमने जो है वो एम्फसिस किया था, और दैट इज़ रिलेटेड विद द इनकम स्टेटमेंट फोकस। तो हमने उसको उसका जो फोकस था दैट इज़ विद इनकम स्टेटमेंट। तो हमने सिंपली सपोज वो हमने देखा था कि 60,000 की सेल थी इस ईयर, पिछली ईयर्स में जितनी भी सेल्स हुई थी तो हमने कैलकुलेट किया था। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रीवियस ईयर की सेल बताई हो और उसमें आपको बताया हो कि कितने आपके जो उनसे डाउटफुल मतलब कितनी अमाउंट आपने रिसीव नहीं की थी, बैड डेट्स कितने हो गए थे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज़ 1%, 1.5%, 1.75%, और उतना उसके बाद आपने इस साल में उस पर चार्ज कर दिया अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल। नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमारे पास पहले तो हमने इनडायरेक्ट मेथड जो है वो पढ़े थे कि इनडायरेक्ट मेथड जो है वो उसमें राइट ऑफ जो है वो किस तरह किया जाता है। तो नाउ वी टॉक अबाउट द डायरेक्ट मेथड। दिस मेथड्स मेक नो अटेम्प्ट टू मैच रेवेन्यू विद द एक्सपेंसेस ऑफ द अनकलेक्टेबल अकाउंट। तो इसमें मैच नहीं किया जाता रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को, और सिंपल एंट्री जो है वो पास कर दी जाती है। ऑन जनवरी 15 सपोज द अनकलेक्टेबल एक्सपेंस टू अकाउंट रिसीवेबल, यू डायरेक्टली चार्ज द अनकलेक्टेबल टू एक्सपेंसेस को, आप उसको डायरेक्टली एक्सपेंस जो है वो चार्ज कर देते हैं। और अकाउंट रिसीवेबल सपोज एक्स कस्टमर ने आपको जो है वो पैसे नहीं दिए, तो आपने क्या किया कि एक्स कस्टमर को जो है वो कर दिया क्रेडिट कर दिया अकाउंट रिसीवेबल से। इनकम टैक्स रेगुलेशंस एंड द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इनकम टैक्स द डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। जो डायरेक्ट राइट ऑफ करते हैं आप उसमें जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है कि वो कहता है कि जो है आपने इनकम टैक्स जो है वो टैक्सेबल इनकम जो है वो कलेक्ट करनी है। यू डायरेक्ट राइट ऑफ द मेथड्स रिक्वायर टू कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम। जो डायरेक्ट मेथड है वो कहता है कि आपने टैक्सेबल इनकम जो है उसको कैलकुलेट करना है, डैट इज़ बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी। और जो आपकी सेकंड जो गैप आता है आपका, दैट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप जो है। अलाउंसेस मेथड्स बेटर मैच द एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यू। जो अलाउंसेस मेथड्स हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड हमने पढ़ा और एक अलाउंसेस मेथड हमने पहले पढ़ा था, वो आपको क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि जो बेटर मेथड जो है इसको कंसीडर किया गया है क्योंकि ये रेवेन्यू के साथ जो है वो मैच करता है। क्योंकि हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन की थी उसमें हमने क्या किया था कि जितने भी आपके बैड डेट्स हो रहे थे या आप जो है डाउटफुल थे उनके लिए या एस्टिमेट मेजर कर रहे थे, तो डेट इज़ रिलेटेड टू डेट अकाउंटिंग पीरियड। तो मैचिंग प्रिंसिपल जो है और रियलाइजेशन प्रिंसिपल जो है हमारा वो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है इसमें गैप में। तो अगर आपको याद होगा कि जो है मैचिंग प्रिंसिपल और रियलाइजेशन की मैचिंग जो है एक्सपेंसेस जो है उसी एरिया में होने चाहिए जिस स्पेसिफिक पीरियड में उसको
मतलब जो कॉज बने हैं उसके रेवेन्यू जनरेट करने का, और रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब रेवेन्यू अर्न किया जाए जिस स्पेसिफिक पीरियड में, उस पीरियड में रिकॉर्ड किया जाए. तो जो अलाउंसेस मेथड है दैट इज़ द सुपीरियर मेथड एंड दैट इज़ मच बेटर देन द फर्स्ट डायरेक्ट मेथड्स. इंटरनल कंट्रोल ऑफ द रिसीवेबल, इंटरनल कंट्रोल जो है वो किस तरह किया जाता है रिसीवेबल. सेपरेट द फॉलोइंग ड्यूटीज़, कि ड्यूटीज़ जो सी है उसको सेपरेट कर दिया जाता है. कौन कौन सी ड्यूटीज़ होंगी, मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडी लेजर, जो अकाउंट रिसीवेबल के सब्सिडी लेजर हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है कि वो सेपरेट मेंटेन किए जाते हैं. हमने प्रीवियस जो सा लेक्चर्स में ये देखा था कि सब्सिडी लेजर बनाए जाते हैं, उनके बनाने की ज़रूरत क्या होती है कि हमें इंडिविजुअल अकाउंट्स का पता चल सके, इंडिविजुअल क्लाइंट्स के बारे में पता चल सके कि एक इंडिविजुअल क्लाइंट ने कितने पैसे जो सा आपको देने. तो जो सब्सिडी लेजर्स होते हैं उनको सेपरेट जो सा मेंटेन किया जाए, जो ड्यूटी जो सा वो सेपरेट असाइन कर दी जाए. कस्टडी ऑफ कैश रिसीप्ट्स, कि जो भी कैश पे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी रिसीप्ट जो है वो प्रॉपरली मेंटेन की जाए, उसको प्रॉपरली रखा जाए, उसकी सीरीज़ जो है सीरीज़ नंबर कैश का जो है वो जो है होना चाहिए, और अगर कोई कैश रिसीप्ट जो सी हैं वो सीरीज़ नंबर मिस होता है तो उसको प्रॉपरली चेक किया जाए. एंड थर्ड जो है हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑथराइजेशन ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल राइट ऑफ, कि ये जो राइट ऑफ करने की जो सी ऑथराइजेशन है ये डेट शुड बी किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को, रिलायबल पर्सन को जो है वो देनी चाहिए. जब ये तीनों चीज़ें सेपरेट मेंटेन हो रही होंगी कि एक बंदा जो है वो सब्सिडी लेजर जो है वो प्रिपेयर कर रहा होगा, एक बंदे के पास जो है वो कैश आ रहा होगा, और एक सेपरेट जो है वो बंदा जिसके पास ऑथराइजेशन होगी कि वो ही राइट ऑफ कर सकता है, कोई दूसरा जो है वो राइट ऑफ नहीं कर सकता, तो उससे क्या होगा कि रिसीवेबल को प्रॉपरली मैनेज किया जा सकता है. अगर यही सारी ट्रांजैक्शन एक बंदे के पास हो, वही अकाउंट सब्सिडी लेजर जो है वो मेंटेन कर रहा है, वही जो है कैश रिसीप्ट कर रहा है, और वही जो है राइट ऑफ कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम जो सी आ सकती है, फ्रॉड के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं. सपोज लार्ज कंपनीज के लिए तो ये करना जो है बिल्कुल काफ़ी आसान होता है, लेकिन जो स्मॉल कंपनीज होती हैं उसमें अगर आप तीन लोग जो है सिर्फ इसी काम के लिए रख लें तो दैट विल कॉस्ट यू टू मच. लेकिन ये हो सकता है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जो ऑनर है वो आईज जो है मेंटेन कर सकता है इन सारी चीज़ों पर, प्रॉपरली ऑडिट जो है इन सब चीज़ों का किया जा सकता. और जो थर्ड टाइप पे आता है ऑथराइजेशन ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल राइट ऑफ, वो जो ऑनर है वो अपने पास रख सकता है, वो उस अकाउंटेंट के हाथ में नहीं दे सकता कि जब तक अप्रूव ना किया जाए तब तक वो ट्रांजैक्शन जो सी है वो नहीं होगी. तो इन तीन स्टेप से जो सा ये इंटरनल कंट्रोल किया जा सकता है रिसीवेबल्स पे. मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट टर्म्स, extending credit encourages customer to buy from us. तो अब credit terms जो सी हैं उसमें अगर आप extension कर देते हैं या extend कर देते हैं, तो अभी previous lectures में हमने क्या पढ़ा था कि 210 and N 30. तो 210 का मतलब यह था कि अगर जो है वो 10 दिन के अंदर payment करेगा तो 2% discount मिलेगा, and then 30 days के अंदर अगर payment करता है तो no discount. तो अब ये कह रहे हैं कि जो है क्रेडिट टर्म्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि क्लाइंट्स जो है आपके पास, कस्टमर जो है वो आपसे बाय करेंगे. जब आपसे बाय करेंगे तो फिर जो है आपकी सेल जो है वो इंक्रीज होगी. तो क्रेडिट टर्म्स जो है उसको रिलैक्स किया जा सकता है अकाउंट रिसीवेबल को मैनेज करने के लिए. मतलब जहाँ आपने 10 days का मार्जिन दिया, 210 कर दिया, तो वहाँ आप 215 भी कर सकते हैं, 215 एंड जो है उसको आप 45 कर दें, एंड 45 days के अंदर पेमेंट करेंगे, कोई जो है आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा. 15 days के अंदर करेंगे तो तब आप 2 की बजाय थोड़ा सा डिस्काउंट कम कर सकते हैं,
टर्म्स जो है इसकी, थ्री टर्म्स जो है वो भी बना सकते हैं, उसमें भी जो है आप कर सकते हैं कि 2% डिस्काउंट 10 डेज में है एंड 1.5% जो है वो 15 डेज में है और एंड जो है वो 45 डेज में। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि बट इट टाइज अप द रिसोर्सेज इन अकाउंट रिसीवेबल, कि सेल तो आपकी इंक्रीज हो जाती है लेकिन अकाउंट रिसीवेबल जो उनसे हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, और जो आपके पास कैश होना चाहिए हाथ में तो वो आपका कम हो जाता है। तो दैट विल टाइड अप योर रिसोर्सेज के जो आपको एक्सपेंड करने में, अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए इसको भी मैनेज करना है कि हाउ यू मैनेज योर अकाउंट रिसीवेबल, कि उसको किस तरह मैनेज किया जाए, मिनिमाइज भी करना है आपने अकाउंट रिसीवेबल को। एक टाइम तो आप एक साइड पे तो हम ये कह रहे हैं कि जी क्रेडिट टर्म्स को जो है वो रिलैक्स कर दिया जाए जिससे सेल्स जो है वो इंक्रीज हो, और दूसरी साइड पे हम ये कहते हैं कि इट विल इंक्रीज द सेल बट इट विल टाइड अप द रिसोर्सेज, और अकाउंट रिसीवेबल एक रिसोर्सेज है आपका दैट इज कैश, कैश आपके पास नहीं होगा तो दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। वे टू मिनिमाइज अमाउंट इन अकाउंट रिसीवेबल, के अकाउंट रिसीवेबल की जो अमाउंट है उसको किस तरह मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर अकाउंट रिसीवेबल लार्ज शो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कैश इन हैंड आपके पास जो है वो कम है, क्योंकि वही प्रोडक्ट अगर आप किसी और को सेल कर देते ऐसे जो है क्लाइंट को जो आपको कैश पे पेमेंट कर रहा है तो आपके पास कैश जो है आ जाता है। अब अकाउंट रिसीवेबल वेन एवर ही पे तो फिर आपके पास कैश आएगा। सेलिंग अकाउंट रिसीवेबल, सेलिंग अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है कि आप जिनसे क्या करते हैं कि अपने अकाउंट रिसीवेबल को सेल कर देते हैं, जिसको हम फैक्टोरिंग का भी वर्ड जिसके लिए यूज़ किया जाता है कि आप एजेंसीज के पास जाके अपने अकाउंट रिसीवेबल सेल कर देते हैं और आप अगेंस्ट दोज अकाउंट रिसीवेबल कैश जिनसे वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो एजेंसीज जो है वो क्या करती हैं कि आपको फाइनेंशियल एजेंसीज जो वो आपको वो कैश जो है वो दे देती हैं अगेंस्ट योर अकाउंट रिसीवेबल, और आप उस कैश को यूटिलाइज कर लेते हैं अपने बिजनेस में। और जब वो कैश आपका अकाउंट में अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट कैश रिसीव होता है तो वो आप एजेंसीज को वापस कर देते हैं। दिस इज़ द वन मेथड। तो सेकेंड मेथड क्या है, दैट इज़ द क्रेडिट कार्ड सेल, कि आप अकाउंट रिसीवेबल को मिनिमाइज इन सच अ वे कर सकते हैं कि आप कहें जी कि ठीक है हम क्रेडिट कार्ड पे जो है वो सेल करते हैं। लाइक कि बहुत सी कंपनीज जो सी हैं आपने देखा होगा उन्होंने क्रेडिट कार्ड भी नहीं लिखा होता, उन्होंने कहा होता कि नहीं कैश क्रेडिट कार्ड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लाइक कि आप जो है राहत बैकर्स पे चले उन्होंने लिखा होता कि जी क्रेडिट कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेबल, ब्रेड एंड बटर पे चले जाएँ क्रेडिट कार्ड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दे प्रेफर कैश, तो वहाँ पे तो ऐसी बात ही नहीं होती। लेकिन सम टाइम जब से एक शख्स जो है जिस तरह हम एग्जांपल देते हैं फ्रेंड्स कॉर्पोरेशंस की, तो फ्रेंड कॉर्पोरेशंस क्या कर रहे हैं वो जो है होलसेल पे भी प्रोडक्ट को सेल करता है और रिटेल पे भी कर रहा है। अब उसने किसी कंपनी को जो है सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करनी है तो वो क्या करेगा, वो क्रेडिट पे देने के लिए राज़ी होगा, क्योंकि कंपनी जो है कैश पर पेमेंट्स नहीं करती, दे यूज टू पे इन कैश। और जब तक जो है आपकी मटीरियल सप्लाई होता है, सपोज एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी थी उसने लैपटॉप के जो है ऑर्डर सप्लाई किया, तो अब वो लैपटॉप ऑफिस में चले गए, ऑफिस वाले ने क्या किया लैपटॉप को खोला, उसको चेक किया, क्वालिटी चेक की, ओके एवरीथिंग इज़ करेक्ट, उन्होंने अकाउंट वालों को कहा, अकाउंट वालों ने चेक बनाया, अप्रूवल ली, और इसमें 10 to 15 डेज जो है वो पेमेंट में लग गए। तो अब इन दिस केस तो क्रेडिट पे चलेगी। अगर कोई क्लाइंट आपके पास ऐसा आ जाता है कि जो कैश आपको नहीं देता तो देन यू कैन प्रेफर इट ऑन द क्रेडिट कार्ड सेल। क्रेडिट कार्ड में क्या हुआ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि कार्ड आपके पास आया, आपने उसको स्कैन किया, उसमें से दो पर्चियाँ निकली, एक पर्ची पे आपने उसने साइन करके आपको दे दिए और एक पर्ची जो है उसने अपने पास रख ली, एंड देन वो जो रिसीप्ट्स है उसको आपने क्या किया कि जाके बैंक में जमा करा दिया, और क्विकली जो है विद इन 1 or 2 डेज जो है बैंक ने वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन क्रेडिट कार्ड में समटाइम ह्यूज अमाउंट जो है वो भी
जो है ट्रांजैक्शन हो सकती है, और सम टाइम इसमें स्मॉल अमाउंट की भी ट्रांजैक्शन जो है वो किया जाती है। लेकिन लार्ज कॉरपोरेशन जो बहुत ज़्यादा बड़ी कॉरपोरेशन होती है उसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन इफ़ समवन इज़ डूइंग द स्मॉल बिजनेस जिसके पास डेली क्लाइंट्स जो है वो आ रहे हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड पे भी सेलिंग की जा सकती है। तो चेक्स को हम जो है कैश ही कंसिडर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे चेक का जिक्र जो है वो नहीं किया गया। क्या आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि जी चेक्स भी तो हम ले सकते हैं, पे ऑर्डर भी तो ले सकते हैं, तो डेट इज़ क्विकली ट्रांसफ़र। वो उसी वक्त जो है आप बैंक में जब जाके जमा कराते हैं तो यूजली जो है, हाँ अगर वो चेक जो है किसी और सिटी से रिलेट करता है तो देन इट टेक्स टाइम, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, डेट इज़ 1 or 2 days, लेकिन फिर भी 2-3 दिन के अंदर जो है अमाउंट कलेक्ट हो जाए तो डेट इज़ कंसिडर टू बी ए कैश। एवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, तो अब हम बात कर रहे हैं कि अकाउंट रिसीवेबल जो है हमने मेथड्स तो पढ़ लिए थे प्रीवियसली, तो हम बात करते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल की क्वालिटी को किस तरह मेयर किया जा सकता है। तो उसके लिए वी हैव टू फार्मूला, द अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जैसे नाम से पता चल रहा है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, दिस रेशियो प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर एवेल्युएटिंग हाउ एफिशिएंटली मैनेजमेंट हैज़ बीन इन ग्रांटिंग क्रेडिट टू द प्रोड्यूस रेवेन्यू। तो इसका जो फार्मूला है दैट इज़ द नेट सेल आर क्रेडिट सेल, यूजली क्रेडिट सेल जो है उस पर डिवाइड किया जाता है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। तो ये रेशियो हमें बताती है कि हाउ मैनी टाइम्स ए कंपनी कन्वर्टेड द रिसीवेबल इनटू कैश। आई रिपीट इट दैट हाउ मैनी टाइम इन अ स्पेसिफिक पीरियड कंपनी कन्वर्टेड द रिसीवेबल इनटू कैश, तो दैट इज द अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर मीन दैट हाउ मैनी टाइम्स द अकाउंट रिसीवेबल आर टर्नओवर इनटू सेल, तो नेट सेल पे जब हम डिवाइड करेंगे किसको, नेट सेल डिवाइडेड बाय द एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, तो फिर हमारे पास जो है वो आ जाएगा टर्नओवर रेशियो। तो जितनी रेशियो ज़्यादा होगी उतना क्विकली और उतनी जल्दी जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही होगी कि अपनी सेल्स को अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट कर रही होंगी, राइट। और जितनी रेशो कम होगी उसका मतलब ये होगा कि उतना ज़्यादा जो उनसे कंपनीज टाइम ले रही हैं उतने अकाउंट रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट करने, तो जितनी कम होगी दैट इज़ मोर डेंजर, जितनी ज़्यादा होगी दैट इज़ मोर गुड, कि कितनी दफ़ा जो उनसे है वो कैश जो उनसे कितनी क्विकली जो उनसे वो कन्वर्ट हो रहा है। और सेकंड जो उनसे इसके पास इसकी जो रेशो आती है एवरेज नंबर ऑफ द डेज टू कलेक्ट, तो वो तो आपके पास आ गया कि जी कितनी क्विकली हो रही है, तो अब सेकंड रेशो जो उनसे हमारे पास आती है दिस रेशो हेल्प जज द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनीज अकाउंट रिसीवेबल। ये किस तरह किए जाते हैं, डेज इन अ ईयर 360 या 365 डेज जो उनसे 365 डेज जो उनसे वो कंसिडर किए जाते हैं, डिवाइडेड बाय द अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जो पीछे हमने टर्नओवर रेशियो निकाली थी उस पर जब डिवाइड कर दिया जाता है तो वी गॉट द नंबर ऑफ डेज दैट्स द अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्टेड इनटू द कैश, दैट इज द अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्टेड इनटू द कैश। पहले तो हमें पता चला था कि हाउ मैनी टाइम्स जो है सेल्स जब हम करते हैं तो हमारे सेल्स अकाउंट रिसीवेबल में और अकाउंट रिसीवेबल से कैश में हाउ मैनी टाइम्स इट कन्वर्टेड, और सेकंड जो सी रेशियो है हमें ये मेजर करती है कि इन हाउ मैनी डेज द सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश, सेल्स मीन द अकाउंट रिसीवेबल्स आर कन्वर्टेड इनटू द कैश। दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 7। आज हमने क्या किया, आज हमने जो है एस्टिमेट किया कि जब हम क्रेडिट पे जो है प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं तो हमें डाउट होता है, वी एक्सपेक्ट कि कुछ लोग जो है उसमें हमें पैसे नहीं देंगे, तो हम प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए
जोन सा सम टाइम हमने दो तीन मेथड्स के बारे में जोन सा पढ़ा था सा, एक हमने मेथड पढ़ा जिसमें हमने एजिंग के बारे में पढ़ा था कि जी एज से हमने एस्टीमेट लगाया था सम, एक मेथड हमने पढ़ा था प्रीवियस ईयर की सेल से कैसे जोन सा एस्टीमेट लगाया जा सकता है। तो हमने एस्टीमेट लगाया कि जी कुछ पैसे जोन सा हमें नहीं मिलेंगे, तो जो नहीं मिलेंगे उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाए। और फिर हमने ये भी किया कि हमने कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी कर ली थी जिसमें हमें पैसे, हमें उम्मीद थी कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमने राइट ऑफ कर दिया था। पहले तो हमने डाउटफुल डेट जो है वो क्रिएट किए थे कि वी आर डाउटफुल, लेकिन बाद में हमने राइट ऑफ कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि उस क्लाइंट को कुछ ख्याल आया और उसने पैसे जो है हमें वापस कर दिए, तो उसकी क्या एंट्रीज होंगी। तो ये एंट्रीज हमने की थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि जी अकाउंट रिसीवेबल को कैसे मैनेज किया जा सकता है, किस तरह मिनिमाइज किया जा सकता है, कस्टमर को किस तरह अट्रैक्ट किया जा सकता है, फ्रॉड से किस तरह बचा जा सकता है। और उसके बाद जब हमने लर्न कर लिया और फिर हमने एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हमने ये देखा कि एवेल्युएट किस तरह किया जाता है अकाउंट रिसीवेबल को। तो हमने अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो देखी और अकाउंट रिसीवेबल इन नंबर ऑफ डेज जो है वो देखा कि टर्नओवर हाउ मेनी टाइम्स द से अकाउंट रिसीवेबल आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन ए ईयर आर इन ए पर्टिकुलर पीरियड। और फिर हमने देखा कि इन ए ईयर हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कन्वर्ट द अकाउंट रिसीवेबल टू कैश। दिस इज द एंड ऑफ टुडे लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।